डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 में। आपको प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा चुकी हूँ। अगर आपको इनमें से किसी एक क्वेश्चन की भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लास्ट में किया करें ताकि आपको मेथड की समझ आ जाए, और जब आप पेपर्स में अटेम्प्ट करें या फिर पेपर्स की तैयारी करें तो आपके पास नोट्स बने हुए हों, क्योंकि जो मैथ है वो प्रैक्टिस से ही आएगा, देखने से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 4, 6 ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक रिजल्ट यूज हुआ है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो किसी में आप थीटा फाइंड करेंगे, किसी में आप आर फाइंड करेंगे, किसी में आप क्या करेंगे, एल फाइंड करेंगे। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां पर हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है। हम करेंगे वहां पे फाइंड करेंगे थीटा, फाइंड थीटा व्हेन हम थीटा फाइंड करेंगे जब हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो आर है आर दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। हम फाइंड करेंगे थीटा, हम यहाँ पे यूज करेंगे रिजल्ट, बाय यूजिंग रिजल्ट एल इज इक्वल टू आर थीटा। अगर थीटा जो चीज फाइंड करनी हो साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे आएगा एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, एल आपके पास है 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, और आर आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर। अब 1.5 को 2.5 पे डिवाइड आपके पास आएगा 0.6 रेडियन, क्योंकि थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। तो आप किस में फाइंड करेंगे थीटा, रेडियन में फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास है इसका जो सेकंड पार्ट, उसमें हमें गिवन है L इज इक्वल टू 3.2 मीटर, उसमें दिया गया है, और जबकि जो R है R आपके पास गिवन है 18 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा लें, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। तो आपके पास जो L ओवर R है, L की वैल्यू हमारे पास है 3.2 एंड आर हमारे पास क्या है 18 मीटर। तो आप 3.2 को 18 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.6 रेडियन। थीटा का वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.6 रेडियन। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, एल। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमने फाइंड करना है एल, जबकि थीटा आपके पास दिया गया है बाई रेडियन और आर आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग रिजल्ट हम रिजल्ट यूज करेंगे कि हमारे पास जो L इज इक्वल टू क्या होता है R थीटा के। तो हम यहाँ पे L ही फाइंड कर रहे हैं, तो L इज इक्वल टू R आपके पास है 6 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास क्या दिया गया है पाई। पाई हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप टू सो ऑन। तो हम यहाँ पे जिस वैल्यू यूज करते हैं 6 इंटू 3.14 और साथ में हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आप 3.64 को 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 18.86 सेंटीमीटर आएगी। ये हमारे पास क्या होगा, L फाइंड। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपको थीटा दिया गया है 65 डिग्री एंड 20 मिनट और R आपके पास है 18 मिलीमीटर, और जबकि हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, L फाइंड करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारे पास थीटा होता है वो रेडियन में गिवन होता है। तो यहाँ पे आएगा थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स। अब 65 डिग्री है प्लस 20 ओवर 60, और इसको होल डिग्री में डिवाइड कर देंगे। आपको पता है सेक्सागेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हमें इसे ओवरऑल डिग्री में चेंज करना है, फिर उसके बाद रेडियन में। तो 20 यहाँ पे 21 से 20 और 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आएगा 65 प्लस 1/3 और यहाँ पे आ जाएगी इसकी होल डिग्री। हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, 65 को इसे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 15 और 3 6 18 यहाँ पे आ जाएगा 19 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 और हमारे पास हो जाएगी इसकी होल डिग्री। अब यहाँ पे 195 में वही प्लस कर दें तो 196/3 हो जाएगा। आप चेक कर लें, अगर आपको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लें, अगर नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, हम इसे रेडियन में चेंज कर देंगे। 3 है तो 3 6 18 उसमें चेंज नहीं होगा, हम यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, पहले रेडियन में चेंज करेंगे। उसके लिए हम इसे 180/π से डिवाइड कर देंगे। अब जो हमारे पास गिवन थीटा था वो 196/3 मल्टीप्लाई पाई/180 बन रहा है,
हम यहाँ पे 3 ओवर, अब इसे कैंसिल आउट कर लें तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 4 के टेबल से देख लें, ये हो जाएगा 4 4 16, यहाँ पे कितने कैरी जाएंगे 2, और 5 5 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 16, यहाँ पे 3 कैरी गए 4 9 36, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है 49 पाई ओवर, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 135। ये हमारे पास हो जाएगी थीटा की वैल्यू इन रेडियन। अगर हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, एल इज इक्वल टू है आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई थी, आर हमारे पास था 18 मिलीमीटर, और जो थीटा है वो 49 ओवर 135 पाई। हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 18 × 49 ओवर 135 एंड 3.14। अब क्या करें कि इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। हम 18, 49 और 3.14 को मल्टीप्लाई करके 135 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल्स टू 20.5 मिलीमीटर। ये हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। 18 को 49 से मल्टीप्लाई करवाएं, उसके बाद 3.14 से और डिवाइड कर दें 135। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एक पार्ट की भी समझ नहीं आई सिंपलीफिकेशन की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।